मध्य प्रदेश में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जहां प्रत्याशियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बात करें अगर ग्वालियर जिला पंचायत चुनाव की, तो वार्ड क्रमांक 11 से भाजपा समर्थित और पूर्व मंडी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रावत अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हालांकि जनसंपर्क के दौरान मिल रहे भारी समर्थन को लेकर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। ग्वालियर में जिला पंचायत चुनाव का घमासान। वार्ड क्रमांक 11 में 10 प्रत्याशियों में मची होड़। पैंतीस हजार से ज्यादा मतदाता करेंगे प्रत्याशी का फैसला। जितेंद्र सिंह रावत को मतदाताओं का मिल रहा समर्थन। शिक्षक की नौकरी छोड़ समाज सेवा का संकल्प। ग्वालियर जिले में जैसे जैसे पंचायत चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 में देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी और पूर्व मंडी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को आधा दर्जन गांवों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क के दौरान जितेंद्र सिंह रावत जिस गांव में भी गए, उनका भव्य स्वागत कर शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। शिक्षक की नौकरी छोड़कर जनसेवा में उतरे जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह रावत मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में मंडियों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी थी। वहीं अब जिला पंचायत चुनाव में वार्ड क्रमांक 11 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदाताओं से मिल रहे भारी समर्थन को लेकर उन्होंने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश से संभागीय इमरान खान। जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरी निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 25 तारीख को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग भी है, जिसको लेकर प्रत्याशी अलग अलग अपने अपने तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क कर जनता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ वार्ड क्रमांक 11 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी रावत हैं। पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं कि इन्होंने एक शिक्षक थे और शिक्षक की नौकरी त्याग कर कहीं ना कहीं एक जनता की सेवा करने का संकल्प को उठाकर और वो सीधे जनता के बीच में पहुंचे, जहां उन्होंने पहला चुनाव मंडी का लड़ा, जिसमें मंडी अध्यक्ष रहे और मंडी अध्यक्ष रहने के बाद कई सारे विकास कार्य भी कराए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वो, हम उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे आपको कि आखिरकार उन्होंने टीचरिंग लाइन को क्यों अलविदा कहा था और आखिरकार क्या ऐसा जनता की सेवा करने का क्या ख्वाब आया अचानक से कि उन्होंने एक सरकारी नौकरी को त्याग दिया है, जो आजकल युवा सरकारी नौकरी के लिए दिन रात सिर पटक रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितेंद्र जी, आप ये बताएं कि सरकारी नौकरी आपने त्यागी, जिसके लिए आजकल अगर देखा जाए तो युवा लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी कैसी भी हो, और आप तो एक शिक्षक थे, कहीं ना कहीं शिक्षक एक सम्मान वो होती है। मेरे मन में एक काफी पहले से ललक थी कि मुझे जन सेवा करना है। जब मेरी नौकरी थी उस समय से ही तो मुझे जन सेवा के लिए काफ़ी कुछ बाधाएं आती थी बीच में नौकरी के चलते, तो इसलिए मन बना कि मुझे रिजाइन देना है और मुझे जन सेवा करना है। तो मैंने 2012 में रिजाइन किया अपने नौकरी को, उसके बाद में मैं मंडी चुनाव लड़ा और सभी के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से चुनाव जीता, मंडी अध्यक्ष बना। जो विकास कार्य के बारे में, जैसे कि आपने कहा, कल एक भाई भी कह रहे थे कि
कि मंडी में 5 साल उन्होंने क्या किया है। जब मैंने जनसेवा करने के लिए अपनी 50,000 की नौकरी जब छोड़ी है, वैसे मेरा 50,000 रुपये महीने बड़ा अच्छा काम चलता रहता, जब मुझे जनसेवा करना ही थी, जब मैंने नौकरी अपनी त्याग की है, तो फिर भाई वो पूछ रहे थे कि क्या विकास किया है। जब विकास किया है तो मैं बता सकता हूँ, मैंने सभी मंडियों में, मेरी भितरवार मंडी रही, उसकी उप मंडी चिनौर है, करैया है, आतरी है, एक एक काम गिना सकता हूँ। मैंने सभी मंडियों को, उप मंडियों को मिलाकर 30 करोड़ के काम मंडियों में कराए, वो सामने है पूरा विकास। चाहे तो एक एक जो विकास कार्य है वो सभी बता सकता हूँ, चाहे वो मंडी की सड़क हो, चाहे बाउंड्री हो, चाहे शेड हो, जितने भी विकास कार्य है, चाहे उप मंडी के हों, चाहे मेन मंडी के हों, सभी बता सकते हूँ। उसके अलावा भी मोहना मंडी में भी, वहाँ भी काम कराए। हम लोगों को क्या था, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मंडी अध्यक्षों को मंडी प्रांगण में ही काम कराने के अधिकार होते हैं, उसके बाहर किसी पंचायतों में काम नहीं करा सकते। जो पहले ऐसे अधिकार थे हमसे पहले जो अध्यक्ष रहे उनको, कि वो बाहर भी मंडी का जो रहता है फंड, वो बाहर लगा सकते हैं, पर हमारे समय में ये नियम नहीं थे, तो हम मंडी प्रांगण में ही काम करा पा रहे थे। उसके बाद मैं बोर्ड में डायरेक्टर बना, आप सबके कृपा से, सबके सहयोग से, हमारे किसान भाइयों के। बोर्ड में डायरेक्टर जब बना तो 34 मंडियां जो आती हैं संभाग से, ग्वालियर संभाग से मुझे डायरेक्टर बनाया, तो वहाँ भी जो बना वो किया, कई मंडियों में वहाँ भी विकास कराया। ये तो मैं जो मैंने बताया कि 30 करोड़ का विकास, तो मेरी भितरवार की मंडी में बोल रहा हूँ मैं, उसके अलावा जो विकास हुआ है ना, वो भी एक एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, एक एक डिटेल दे सकता हूँ। अब जिला पंचायत के मैदान में हो, जनता के बीच जा रहे हो, अगर जनता ने विश्वास जताया तो पहली प्राथमिकता क्या रही? जो मैं पंचायतों में कहीं कुछ नहीं करा पाया, क्योंकि एक सीमा थी मंडियों में काम कराने की, मंडी प्रांगण में, और यदि मैं जिला पंचायत में आया तो मैं पंचायतों में काफ़ी कुछ विकास जैसे रुका हुआ है, कई काम हैं ऐसे, हमारे काफ़ी किसान भाई बताते रहते हैं, सभी पंचायतों में जब जाना होता है जनसंपर्क वाले समय में तो उनको लेंगे, काफ़ी कुछ सड़कों भी जुड़ना है, छोटी छोटी हैं, और भी उनके काफ़ी छोटे काम हैं पंचायतों से संबंधित जो काम रहते हैं। ये जो बैनरों को कोई कुछ लोग फाड़ भी रहे हैं, बैनरों के ऊपर बैनर लगा रहे हैं, मैंने कई जगह अपने देखे हैं जो पर्चे लगे हैं, तो उनके ऊपर अपने पर्चे लगा दिए हैं, ये उनकी सोच है, बहुत छोटी सोच रखते हैं, पर ऐसी सोच हम लोग नहीं रखते हैं। जैसा उनको अच्छा लग रहा है वो अपने मन से कर रहे हैं, अपन लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो उनका दिमाग जितना काम कर रहा है कि हमें कितना काम करूँ, तो मैं आपका गृह नगर रखा है। अच्छा, विकास कह रहे अपने अपने ग्राम के बारे में, आपका गृह गाँव है वो, अपने ग्राम के बारे में कहें तो विकास कार्य काफ़ी जो हुए हैं, हमारे सड़कें भी, जो 7 सड़कें जो निकली हैं, तो माननीय मंत्री जी तोमर साहब रहे वहाँ से, तो उनको हम लोगों ने निवेदन किया कि भाई साहब, सभी जनता ने आपको इतना वोट दिया और बढ़िया, ईट माँ की पोलिंग तो काफ़ी अच्छी रहती है, भाई साहब को एक तरफा ही वोट रहा वहाँ से, तो हम लोगों ने निवेदन किया। सभी गांव वालों का ये कहना था कि ये सड़क बनना चाहिए, उन्होंने सड़क से सड़क जोड़ने की उन्होंने जो बताया, तो हम लोगों ने निवेदन किया भाई साहब से जाके, तो भाई साहब ने सुनी और वो सड़क स्वीकृत कराई। अब यदि मैं वो सड़कों के बारे में कहीं ऐसा बोलूं कि नहीं वो सड़क मैंने बनवाई, तो मैंने वो सड़क कोई सरसों या गेहूँ बेच के थोड़ी बनवाई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सभी हमारी जो जनता, सब भाई खड़े हुए हैं, सभी किसान भाई खड़े हुए हैं, तो इन सबका सहयोग था। आज हमें यदि वो जानते हैं, यदि हम इस लायक हैं कि हम किसी सड़क को स्वीकृत करा सकते हैं, तो ये आप सबकी ताकत है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, उसमें कहीं मैं कहूँ वो मैंने बनवाई तो मैं कौन होता हूँ, कुछ नहीं, वो आप सबकी ताकत है कि आज ऊपर हमारे सांसद जी भी, मंत्री जी भी, जो यदि हमारे सुन लेते हैं, वो आप सबकी ताकत है, आपने इस लायक हमें बनाया, कितनी ये सड़क स्वीकृत करवाई है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कहूँ नहीं वो मैंने बनवाई है तो मैं क्या होता हूँ, कुछ नहीं, आप सबका आशीर्वाद है। तो आपने सुना जितेंद्र सिंह रावत थे, इन्होंने स्पष्ट बताया कि कहीं ना कहीं जनसेवा करने का एक जुनून था, और वो जुनून इतना था कि आखिरकार 50,000 रुपये महीने की नौकरी
छोड़कर कहीं ना कहीं उन्होंने जनता की सेवा करने का एक त्याग किया। और आजकल आप देखते हैं कि 50,000 रुपये में अगर इंसान चाहे तो अपना खर्चा चला सकता है, लेकिन उनको जनता के बीच पहुंचना था, जनता की समस्याओं को निजात के लिए, जनता के सेवा करने के लिए। और जिसको लेकर पहली बार ही, मैं आपको बता दूं कि पहली बार इलेक्शन लड़ा था मंडी का, उसी में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हैं कि जिला पंचायत में काफ़ी अच्छी उनकी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी उनकी भूमिका दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अगर जनता ने उन पर विश्वास जताया और अगर जिला पंचायत में जीत कर आते हैं तो जिला पंचायत के वार्ड नंबर 11 कहीं ना कहीं एक विकास को लेकर एक अलग ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि ग्वालियर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 42 गाँव के करीब 35,000 मतदाता करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि मतदाता किसके सिर पर जीत का सहरा बांधते हैं। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।